नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। बड़ा अजब और गजब है साहब, उत्तराखंड के पहाड़ों में महकमों के अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया। ये मीडिया के सामने भी झूठ बोलने से शर्माते नहीं है। जिस मोटर पुल को पीडब्ल्यूडी ये बोलकर पल्ला झाड़ रहा था कि ये मोटर पुल उनका नहीं है, आखिरकार उसी मोटर पुल को अब पीडब्ल्यूडी ने अपना मानकर मरम्मत करा डाली है, है ना अजब गजब साहब। और अब ये सब हुआ है न्यूज वर्ल्ड इंडिया के मुहिम चलाने के बाद। जिस पुल पर कई सालों से गड्ढा बना हुआ था, लोग जान जोखिम में डालकर रोजाना इस पुल से गुजरते थे। इसी तस्वीर के साथ हमने न्यूज वर्ल्ड इंडिया के खास प्रोग्राम मेरा गांव मेरा देश में चलाया, मुद्दे को उठाया और अब खबर का अवसर ऐसा हुआ है कि वो पुल पूरी तरीके से ठीक हो गई है। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र धनेत्रा। और जैसा कि हमने पिछले 22 तारीख को हमने पुल का जो यहां पे गड्ढा था, इस गड्ढे को दिखाया था। इस गड्ढे में कई जो स्कूल के छात्र थे वो यहां पे चौकिल हो चुके थे और ये गड्ढा विगत 3-4 सालों से झुका था। यहाँ पे लोक निर्माण विभाग के लापरवाही के कारण पड़ा हुआ था। परसों जब हमने यहाँ पे लाइव चलाया तो वहाँ पर भी उन्होंने बिल्कुल मूर्ख बनाने का काम किया था कि ये पुल जो है PMGSY के पास चली गई है और हमारे पास नहीं है। लेकिन जब हमने पता किया और हमने विधायक जी से भी लाइव फोनों पर ला करके विधायक जी से हमारे संस्थान ने बात रखी थी, विधायक जी ने पता किया और हमने भी पता किया, तो अंत में ये पता चला कि अभी भी ये जो मोटर पुल है ये लोक निर्माण विभाग थराली निर्माण खंड के पास ही है। और जब हमारी उनसे बात हुई, हमारे चैनल ने लगातार इसकी पैरवी की और उसके बाद इन्होंने परसों यहाँ पर जो ये पूरा जो क्षतिग्रस्त पुल का जो हिस्सा था उस हिस्से को यहाँ पे बिल्कुल उसका बिल्कुल डामरीकरण कर दिया। न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने 22 मार्च को नारायण बगड़ बाजार के बीचों बीच पिंडर नदी के ऊपर बना हुआ नारायण बगड़ परखाल चोकता मोटर पुल पर पिछले 3-4 सालों से आम लोगों के लिए खतरनाक बने गड्ढे को दिखाया था, जिसमें कई बार मोटर बाइकें और स्कूली बच्चे चोटिल भी हो जाते थे। लेकिन पीडब्ल्यूडी का लापरवाही का आलम यह था कि वो पुल के इस खतरनाक बने हुए हिस्से को ठीक भी नहीं करा पा रहे थे। 80 के दशक में बना हुआ ये मोटर पुल पहले भी जस का तस हालत में था और तब भी मीडिया के हस्तक्षेप से ही इसके लोहे की प्लेट बदली गई थी, लेकिन तब भी इसके एक हिस्सा पर बना खतरनाक गड्ढा पटा नहीं था। वही 22 मार्च को न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने जब इस पुल से ही लाइव कार्यक्रम चलाया तो पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता जितेंद्र कुमार ने फोनों पर साफ झूठ कह दिया कि ये पुल उनके विभाग का नहीं है, PMGCI का है। लेकिन ये भी गलत, मैं पूछ लेता हूं जितेंद्र जी, ये पुल आपके अधीन था ही नहीं कभी, आप ये कह रहे हैं? हमारे दिन था, वर्तमान में हमारे दिन नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। ओके, पहले था अब नहीं है, बहुत बढ़िया सर। PMGSY के पास चली गई। कब 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 तक था, कब तक था, कब तक ये बताइए, कब तक था ये? लगभग 2-3 साल पहले चली गई, 2 साल पहले लगभग PMGSY के पास। 2 साल तक था, 2 साल के बाद नहीं है? 2 साल पहले PMGSY के पास चली गई, 2 साल से हमारे पास नहीं है लगभग। 2 साल से आपके पास है ही नहीं है पुल? नहीं। आप प्रधानमंत्री गरम जो है ग्रामीण सड़क योजना के पास है ये पुल, आप ये कह रहे हैं जी, जी। तो आप हमारी मदद कर सकते हैं सर, आप लोग अगर उनको अवगत करवाएं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमारा कोई जिम्मा ही नहीं है, आप मदद कर सकते हैं कि नहीं? मैं मौके दुर्वासपुर उनके सहायक अभियंता से बात कर सकता हूँ, लिखित में जब तक हमारे पास पुल से शिकायत नहीं आएगी हम लिखित में बिना नहीं लिखित रूप से क्यों नहीं, आप मौखिक रूप से कर सकते हैं, लिखित में क्यों नहीं? जितेंद्र जी आप लिखित में क्यों नहीं कर सकते, मैं जान सकता हूँ? लिखित में पुल से संबंधित कोई शिकायत नहीं आई हमारे पास अभी तक। आपके पास कोई शिकायत ही नहीं आई, तो आपको कैसे मालूम चला कि वहाँ पर इतनी बड़ी दिक्कत है, आपको कैसे पता चला? मैं जाता हूँ रोज, मेरा। अच्छा, उस रास्ते से जाते हैं, उस रास्ते से जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप जब तक कल अभी लिखित कंप्लेन करवा दूं या कल करवा दूं, आप बताइए, जब आप बोलेंगे मैं तब करवा दूंगा। जब आप करना चाहें तब कर सकते हैं। मैं तो अभी करवा रहा हूं मौखिक रूप से, लिखित में करवा देता हूं। अभी कर दीजिएगा। लिखित कंप्लेन करवा दूं? आप कहां पर है, आपका आवास कहां है, कहां पर भेजूं इनको? आवासीय कार्यालय में भेजिएगा। पूछिए जितेंद्र जी को लिखित में शिकायत दी या नहीं दी, कभी उन्होंने लोक निर्माण विभाग को बताया? जितेंद्र जी लाइन पर है, वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं बताया किसी ने, ये तो मैं वहां से जाता हूं तो मैंने देख लिया कि वहां पर इस तरह के हालात हैं। पूछिए जरा जनता से कि कभी कोई लिखित कंप्लेन दी है क्या कि नहीं? मौके पे आपके इंजीनियरों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में, हम जो जो कर रहे हैं और ये हमारी प्रायोरिटी में है, फिर भी उन्होंने नहीं करा तो हम इससे ज्यादा आश्वासन और क्या ले सकते थे? सर मेरी टीम भी ना आपके विभाग की तरह है, आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा मुझे, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतना जानना है आपसे
कि जितेंद्र जी लाइन पर हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास कोई लिखित कंप्लेन नहीं आई। अगर मेरे पास कोई लिखित कंप्लेन आती तो मैं इसको ठीक करवाने की कोशिश करता, क्योंकि वो मेरे अधीन नहीं है, लोक निर्माण विभाग के अधीन ही नहीं है, 2 साल पहले था। पिछले साल तो सब इसमें काम हुआ, 2 साल पहले इसमें जो पीएमजीएसवाई का काम जिसमें जो पिछले साल हुआ, 2 साल पहले कैसे नहीं था ये तो वही जान सकते साहब। पिछले साल तो यहाँ पे काम हुआ, और यह जो पुल की पेंटिंग हुई वो जो पेंटिंग के ठेकेदार और जिन्होंने इसमें जो तो रिपेयर किया वो तो पीडब्ल्यूडी से उनका ठेका था, तो ये कैसे बोल रहे हैं साहब इस बारे में मैं नहीं जान सकता हूँ। हम आपको बता दें कि लगभग 2 साल पहले नारायण बगड़ परखाल चोपता मोटर मार्ग सुधारीकरण और डामरीकरण के लिए हस्तांतरण हुआ था, लेकिन ये पुल आज भी पीडब्ल्यूडी के पास ही है, क्योंकि अभी भी इस रूट पर पीडब्ल्यूडी के कई आंतरिक हिस्सों में सड़कें मौजूद हैं। हमारे लाइव कार्यक्रम में थराली विधायक भोपाल राम टमटा जी भी जुड़े थे और उन्होंने भी इस पर सही मूलमात कर गच्चे को सुधारने का आश्वासन दिया था। इस तरह हमारी और विधायक जी की पड़ताल में ये पुल पीडब्ल्यूडी का ही पाया गया। वही विधायक जी ने भी पीडब्ल्यूडी को शीघ्र इस पुल की मरम्मत करने को कहा था। वही पुल बनने के बाद न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने इन छात्रों से भी बात की जो यहाँ से रोजाना गुजरते हैं। न्यूज वर्ल्ड चैनल का धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पे ये पुल को दोबारा सही करवाया। इस पुल में से कई बार कई लोग घायल हो चुके हैं, मैं खुद इस पुल में गिर चुकी थी, तो इसमें बच्चों को आने जाने के लिए खतरा बना रहता था, इसीलिए न्यूज़ वर्ल्ड चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इसकी आगे तक बात चलाई और फिर ये पुल को दोबारा बनवाया ताकि आने जाने वाले बच्चों या इंसानों को इससे खतरा ना हो और ये पुल बन गया। धन्यवाद। कभी मतलब आने के लिए डर लगता था, कभी छोटे बच्चे आते हैं और हमारे जैसे भाई बहन और यहाँ से नीचे जाने मतलब क्योंकि यहाँ पर नीचे खड़ा है और नदी भी है तो नीचे गिरने में डर लगता था, और यहाँ पर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने ये बात छेड़ी थी और तो उन्होंने उनको धन्यवाद क्योंकि उन्होंने ये गड्ढा का वो किया, इसलिए बच्चों को अब डरने की ज़रूरत नहीं है और उनके लिए थैंक यू। वही न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर के असर के बाद हमने टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष भगवती प्रसाद सती और सामाजिक कार्यकर्ता खीमराम कोठियाल से भी इस पर बातचीत की। सबसे पहले मैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने जुनून समस्या को उठाई, जनता से जुड़ी समस्याएं उठाई, इसके लिए मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसे ही आप जनहित के मुद्दों को जो उठाते रहेंगे और जनता की जो मुश्किलें हैं, जो कठिनाई, जो समस्याएं हैं, उनका निदान अपने चैनल के माध्यम से कराते रहेंगे। सबसे पहले न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने कि ये पुल काफ़ी समय से यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा था, यहाँ पे जो राहगीर थे, स्कूल के बच्चे थे, मोटरसाइकिल वाले, जो छोटे वाहन हैं, दोपहिया वाहन, बड़ी दिक्कत और बड़ा यहाँ पे एक घटनाक्रम इस प्रकार का बना हुआ था कि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के संपादक मैं धनित्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने आप इस क्षेत्र की आवाज़ बन करके आपने शासन प्रशासन को इसे अवगत कराया और तब जाके यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे कि ये भर गया गड्ढा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहरहाल न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर की रंग लाई है और लोगों के लिए खतरनाक बना मोटर पुल के हिस्से को सुधार लिया गया है, लेकिन अब वक्त ही बताएगा कि जो मरम्मत की गई वो कितने समय तक टिकाऊ रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूँ आपके साथ सुरेंद्र धनेत्रा। और जैसा कि हमने पिछले 22 तारीख को हमने पुल का जो यहाँ पे गड्ढा था, इस गड्ढे को दिखाया था। इस गड्ढे में कई जो स्कूल के छात्र थे वो यहाँ पे चौकिल हो चुके थे और ये गड्ढा विगत 3-4 सालों से झुका था, यहाँ पे लोक निर्माण विभाग के लापरवाही के कारण पड़ा हुआ था। परसों जब हमने यहाँ पे लाइव चलाया तो वहाँ पर भी उन्होंने बिल्कुल मूर्ख बनाने का काम किया था कि ये पुल जो है पीएमजीएसवाई के पास चली गई है और हमारे पास नहीं है, लेकिन जब हमने पता किया और हमने विधायक जी से भी लाइव फोनों पर ला करके विधायक जी से हमारे संस्थान ने बात रखी थी, विधायक जी ने पता किया और हमने ही पता किया, तो अंत में ये पता चला कि अभी भी ये जो मोटर पुल है ये लोक निर्माण विभाग थराली निर्माण खंड के पास ही है। और जब हमारी उनसे बात हुई, हमारे चैनल ने लगातार इसकी पैरवी की और उसके बाद इन्होंने परसों यहाँ पर जो ये पूरा जो क्षतिग्रस्त पुल का जो हिस्सा था उस हिस्से को यहाँ पे बिल्कुल उसका बिल्कुल डामरीकरण कर दिया। इसका यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हुआ करता था, जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा था, बहुत बड़ा गड्ढा था। इस गड्ढे को बिल्कुल यहाँ पे एक स्कूल की छात्र है वो अभी हाल में ही यहाँ पे नीचे घुस गई थी और उसको काफ़ी चोट है उसको लगी थी, उसका बड़ी ऊँचे से इलाज हुआ था। तो ये जो लापरवाहियाँ हैं जब तक
जनता आवाज़ नहीं उठाती, लोग आवाज़ नहीं उठाते, तो इस तरह की समस्याएं पर्वतीय क्षेत्र में आम बनी रहती कि यहाँ पर क्या किस ढंग से जो अधिकारी हैं कितना लापरवाही से लापरवाह रहते हैं और जो जनता की समस्याओं पर बिल्कुल आँख मूंदे रहते हैं। और जब न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने ये आवाज़ उठाई, यहाँ पे आवाज़ उठाई, स्कूल की आवाज़ उठाई, यहाँ पे बड़ा गड्ढा था, ये गड्ढा आज लोक निर्माण विभाग ने भर दिया है, तो कहीं ना कहीं हम जो हमारे विधायक जी हैं उनकी भी इसमें भूमिका है, उन्होंने बातचीत की और इस जो गड्ढा है इस गड्ढे को भरने में भी हमारी मदद की और हमारे न्यूज़ चैनल ने भी लगातार इसी ढंग की जनता की जो बातें हम उठाते रहते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोक निर्माण विभाग का भी धन्यवाद करेंगे, विधायक जी का भी धन्यवाद करेंगे, उन्होंने न्यूज़ वर्ल्ड की इंडिया की जो मुहिम है उस मुहिम में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए जो यहाँ पे जनता के लिए जो खतरनाक ये गड्ढा बना हुआ था, स्कूल के बच्चे यहाँ पे जो लगातार चोटिल हो रहे थे उन बच्चों की जो सुरक्षा अब लगभग हो पाई है, तो इस ढंग से जो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया है जो जनता की आवाज़ है वो हमेशा इसी तरह से उठाते रहेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो निरंतर जनता के जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर अगर हम आवाज़ उठाते हैं, प्रकाश डालते हैं, तो उन समस्याओं का समाधान करने में न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का साथ देगा, तो बने रहेगा आप न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट, थराली, चमोली। तो मेरा देश मेरा गांव के माध्यम से जो मुहिम हम लगातार हर दिन चला रहे हैं, ये मुहिम यहां नहीं रुकेगी। आपके जिले में अगर कोई भी ऐसी समस्या, आपके आसपास अगर कोई भी ऐसी समस्या, चाहे वो जल हो, पानी हो, सड़क हो, न्यूज वर्ल्ड इंडिया तक जरूर पहुंचाए, क्योंकि न्यूज वर्ल्ड इंडिया का काम सिर्फ खबर दिखाना नहीं है, खबर की तह तक जाना है और आपकी समस्याओं को दूर करना है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।